subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. कहावत है सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। आज तक तू लोगों को टाइम दे करके उनको जिंदगी और मौत का फरमान सुनाता था ना, हम आज मैं करता हूं तेरे साथ ऐसा। यादव जी सर, इसकी घड़ी सेट करो। यस सर। बजाओ इसके 12। ले, मैंने भी कर दी, बहुत टाइम दिया तूने लोगों को हैं? आज मैं तुझे टाइम दे रहा हूं 30 मिनट। जा 30 मिनट। यहां से नेपाल का बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर है। 30 मिनट में अगर दौड़ के तूने उसे पार कर लिया तो तू बच गया बेटा, और नहीं तो मेरी ये रिवॉल्वर की ये गोलियां 300 सेकंड की रफ्तार से तेरे सीने में घुस जाएंगी और 30 सेकंड में तेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। बहुत शौक है ना भागने का, चल भाग, दिया टाइम तुझे, भाग 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 भाग, चल भाग, निकाल गाड़ी। गोरखपुर में ना अगर प्रॉपर्टी का कोई भी डीलिंग है तो पप्पू प्रॉपर्टी डीलर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। एसपी, कलेक्टर, डीएसपी जो भी है ना, हाँ। सब मेरी बात मानते हैं। अच्छा, और आपको तो केवल मकान भाड़े पे लेना है ना? अरे ये तो भाड़े की बात है, कभी खरीदने की बात हो ना तो मुझसे बात करना, ठीक है? एक से एक मकान दिखाऊंगा गोरखपुर में। ये है गोरखपुर का व्हाइट हाउस, कैसा लगा मालूम है आपको? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी आता ना इस गोरखपुर में इसी बंगले में टिकता है। क्या 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 क्या, क्या, क्या मतलब पसंद नहीं है यही ना? मतलब पसंद नहीं है यही ना? कोई बात नहीं है, मैं गरीब आदमी यार पप्पू भाई, कहाँ वो शाहरुख और अमिताभ और काम। ये आ गया, ये देखो शानदार महल। घर तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत सस्ता है, 9000 रुपए। और एक बात बताओ, मस्त भाभी भी अंदर है। क्या मतलब है आपका? अरे आप हर बात को गलत ले जाते हो, मेरे कहने का मतलब है आपके खाने का जुगाड़ हो जाएगा दोनों टाइम का। हाँ। क्या कहते हैं? और 1500 रुपया मेरा ऊपर से आप दे देना तो 10,500 रुपया बनते हैं। तो बस पप्पू भाई,
गरीब आदमी हूँ यार, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ तो दूसरा मकान दिखाता हूँ, चलिए। अभी जो मैं आपको मकान दिखाने वाला हूँ ना, देख के आपका दिल खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए। यह आ गया। ये कैसी जगह यार? भाई साहब, लल्लन टॉप जगह है, फुल फर्निश। अंदर चलो तो मजा आ जाएगा। आओ आओ, दिखाता हूँ अंदर से। आओ तो सही भाई, आओ तो। फ्लैट देखोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। थोड़ा ये एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सब ठीक। मजा आ जाएगा आपको। इधर से आराम से ऐसे आके ये बस आ गया आपका रूम। आ जाओ बस। है बढ़िया। ये आ गया आपका जन्नत। ये थोड़ा पुराना लुक देता है, लेकिन है बड़ा मस्त। ये भाई साहब, ये तो बिल्कुल खंडर जैसा है। आपने कहा था फुल्ली फर्निश्ड, इसका तो बेड भी पूरा नहीं है। क्या बात करते हो भाई साहब, अरे लोग तो ऐसे जगह पर रहने के लिए मरते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ तो किसी को लेके भी आओ तो किसी को पता ना चले, पड़ोसी का भी कोई लफड़ा नहीं। भाई साहब, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, प्लीज। भाई साहब, कोई उस टाइप का लड़का नहीं होता है, लेकिन सबका मुझे पता होता है, समझ गए बात को। देखिए, मेरा बजट इतना भी कम नहीं है कि मैं ऐसी जगह पे रहूंगा, प्लीज कोई दूसरी जगह दिखाइए। ठीक है, मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी कोई जुगाड़ हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं पर डे के हिसाब से भी देता हूँ। इसकी चाबी मेरे पास ही रहती है। आइए आइए, मैं आपको दूसरा घर दिखाता हूँ, बढ़िया वाला। ये आ गया आपके सपनों का महल। एक मिनट, गाड़ी आइए, अंदर आइए। ये है वो घर। ये यस। लेकिन पप्पू भाई, अरे यार, आपके बजट का है? कितना? 4,000। वेरी गुड पप्पू भाई, डन डन। लेकिन मेरा 1,000 अलग से, 5,000। पप्पू भाई, 500 में करो ना। क्या यार, आपको हमेशा प्लीज प्लीज यार, पप्पू भाई यार, 500 प्लीज यार, गरीब आदमी। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना। वो डेली कभी कभी ना शाम को ना थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल। ठीक है, डन डन। पक्का डन डन। शशांक भाई। अरे क्या बात है पप्पू भाई। पप्पू भाई, क्या हाल है, क्या बात है, क्या लग रहे हो यार? अरे वो एक्चुअली डीएम के यहाँ आज पार्टी थी, तो उन्होंने कहा अगर पप्पू भाई अगर तुम नहीं आए ना तो हमारी पार्टी अधूरी है, तुझे डिनर पे आना ही पड़ेगा। इतना बोर्स किया तो अब जाना ही पड़ा। मैं तो वैसे पीता नहीं, लेकिन आप दे रहे हैं तो मतलब। और वैसे भी क्या है ना पप्पू भाई, कि मुफ्त की दारू को कोई मना नहीं करता। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। अरे बिल्कुल नहीं। एक मिनट में जरा पानी। नहीं, मुझे पानी नहीं। पानी नहीं, मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा। चीयर्स। लीजिए लीजिए जी। मजा आ गया। और अगर एक और बन जाता तो मतलब। क्यों नहीं, ये बन जाएगा। एक मिनट। हेलो। हाँ, अरे एक दोस्त के यहाँ बैठा हूँ, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, आज फिर लेट हो गया तू, आधा घंटा नहीं समझ में आता तुझे। भाई क्या हुआ? निकल इधर से, निकल इधर से। मतलब क्या हुआ? मतलब निकल इधर से, भाग यहाँ से। क्या क्या हुआ? अभी तो ठीक ठाक लगता है। चल Mother, 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 mother
शशांक, शशांक उठो बेटा, उठो। बाबूजी, बाबूजी आप? हाँ, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ, तुम्हारा पहला दिन है ना ऑफिस का? जी, वो रात को थक गया था इसलिए आँख नहीं खुली जल्दी। हाँ तो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। जल्दी करो, देर हो रही है। अभी तक तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं पता। अरे जाओ, चलो जाओ। अरे जल्दी जाओ, पहला दिन है, शर्म नहीं आती? अरे आ जाओगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जाओ। अरे गाड़ी रुकाया है तो जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं भाई साहब ठीक है। अरे जल्दी बैठो यार, पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जल्दी बैठो। हाँ चलो। अरे कहाँ चलू, जगह भी तो बताओगे? मंगलम टावर गोल घर। 100 रुपया देना पड़ेगा? अरे दे दूंगा यार, चलो मैं लेट हो रहा हूँ। अरे भाई साहब ये गाना वाना बंद करो, रिक्शा थोड़ा फास्ट चलाओ प्लीज यार। भाई साहब ये ऑटो रिक्शा है, कोई हवा जहाज नहीं। अरे यार थोड़ा फास्ट चलाओ, साइकिल वाला आगे निकल गया आपसे, क्या कर रहे हैं आप यार? सड़क की हालत देख रहे हैं यहाँ की? अरे उड़ाना नहीं है यार, लेकिन थोड़ा फास्ट तो चलाओ रोड पे। एक तो बहुत दिमाग खराब कर रखा है सुबह से। अरे भाई साहब उतार क्यों गए? अरे अरे कितना टाइम लगेगा इसमें? अरे यही मंगलम टावर है यार। अरे यार ये पकड़ो तुम्हारा पैसा, मुझे नहीं जाना है यार। अरे भाई साहब। हाँ जी। ये अपना कैविलर इंडिया का ऑफिस, ये सामने वाली बिल्डिंग पे, सेकंड फ्लोर से। थैंक यू। हाय मैम। हेलो। एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पर, मैं थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया, और ये मेरा लेटर। दो मिनट सर, वेट कर लीजिए। हाँ जी। सर मिस्टर शशांक आए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है। ओके। हाय सर। हाय, आई एम शशांक। वेलकम मिस्टर लेट लतीफ, के लिए तालियां तो बजाओ। सर एक्चुअली क्या है, आज मेरा पहला दिन है, और सर मुझे ऑफिस का एड्रेस नहीं पता था, और लोगों ने कहीं और भेज दिया सर मुझे। मैं रिक्शा छोड़ के पैदल आया हूँ सर। देखो ये प्रोफेशनल कंपनी है। जी सर। और यहाँ पर इन सब चीजों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुम लेट हो तो हो। जी। तो मिस्टर शशांक, मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकता, आई एम सॉरी। सर 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 प्लीज प्लीज सर प्लीज मुझे एक चांस और दीजिए सर, आई प्रॉमिस यू आगे से ऐसा नहीं होगा सर, और आपकी कंपनी को मुझसे अच्छा कंटेंट राइटर भी नहीं मिलेगा सर, आई प्रॉमिस यू दैट। अच्छा, तुमसे बेटर मुझे कंटेंट राइटर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, आई गारंटी इट। फाइन, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। रश्मि सिट देयर। ओके सर। हमें लिपस्टिक की एड के लिए टैगलाइन नहीं मिल रही। जी। एंड वी नीड समथिंग माइंड ब्लोइंग। जी। अगर तुम हमें वो टैगलाइन दे देते हो, देन यू आर इन। ठीक है। यस, यू हैव जस्ट 30 मिनट्स। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, आज फिर लेट हो गया तू, आधा घंटा नहीं समझ में आता तुझे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिनट लेफ्ट। रश्मि वो D3 फाइल नहीं मिल रही मुझे। जस्ट 2 मिनट मैम, टेबल पे होगा, 2 मिनट। सुर्ख तेरे होठों की ये लाली, किसने बनाई है सूरत निराली?
अप्सरा लिपस्टिक। हाँ हाँ, लिपस्टिक की टैगलाइन यही हो। हाँ जी जी जी। यार एक बार फिर से पढ़ के सुनाना। सुर्ख तेरे होठों की ये लाली, किसने बनाई ये सूरत निराली। अप्सरा लिपस्टिक। ये शिवांगी, ये है शशांक, हमारे नए कंटेंट राइटर। शशांक, ये शिवांगी, यहाँ की क्रिएटिव हेड। शिवांगी, जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी टैगलाइन के बारे में इनसे डिस्कस कर लो। जादू सा छाया दिल तुझ पे आया, जादू सा छाया दिल तुझ पे आया, हुआ खुद से पराया। दिल खो गया लगता है मेरा, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, हाय दिल ये मेरा कहीं खो गया। हे शशांक, क्या बात है यार, फर्स्ट डे और इतनी बेहतरीन टैगलाइन से तुमने तो यार बॉस को नॉकआउट कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू मैन, मजा आ गया, वेरी इंप्रेस्ड। थैंक यू। बाय द वे, आई एम संजीव, यहां की डायरेक्शन टीम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो तुम समझ सकते हो यहां का डायरेक्टर मैं हूं। हां बिल्कुल, मेरी चलती है। अरे ये भी आ गए, ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर सौरभ। हेलो। हाय। अरे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूं आज। हाय शशांक। हे यार, ये तुम्हारे चेहरे पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कैसा? नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली क्या है, मेरा पहला दिन है और मैं यहाँ के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, और लंच टाइम हो गया तो मैं सोचा था कहाँ जाके लंच करूँ। अभी तो तुम्हारी ये भूख की प्रॉब्लम, इसको तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, अब्दुल चाचा का रेस्टोरेंट। सही, खाने की बात कुछ और है। तीन नंबर टेबल पे दो चाय और चार नंबर टेबल पे पानी भेज जल्दी। वैसे एक बात है यार, शिवांगी से पूरे ऑफिस में सब लोग बात करने से भी डरते हैं। हाँ लेकिन शशांक ने तो शिवांगी को भी यार फ्लैट कर दिया। क्या बात कर रहा है यार, हम लोग तो अब काम की वजह से ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर है भाई, सारे एंगल समझते हैं। अरे वो कौन सा गाना है? देख ले आँखों में आँखें डाल, देख ले। रुक जा यार, क्या तुम लोग यार फंसा रहे मुझे भाई। क्या बातें हो रही है? ओ यार सीख ले। हाय गाइस, क्या बातें हो रही है? अरे मेरी जोड़ी की बात हो रही है। ये आप लोग ऑफिस में जोड़ी जोड़ी खेलते रहते हो क्या? अरे इनकी बातों में मत जाना, ये लोग ऐसी मजाक करते रहते हैं बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है शशांक, देख भाई हमें मीडिया से भाई, जब तक नहीं बनेगी जोड़ी तो कैसे चढ़ेंगे घोड़ी। माय गॉड। अच्छा शशांक, ये मेरी गर्लफ्रेंड रश्मि। हाय शशांक। अरे रश्मि तुम अकेली कैसे, शिवांगी कहाँ है? अरे यार हम दोनों ना पता है अभी साथ में आ रहे थे, बॉस ने उसे बीच में रोक लिया, आ रही है बस अभी। अच्छा बेटा आप लोग क्या खाएंगे? बता शशांक क्या खाएगा? कुछ भी यार, जो तुम लोग यहाँ पे रेगुलरली खाते हो। चाचा फिर वही बिरयानी। बिरयानी, बिरयानी बहुत यम है। ठीक है बिरयानी खा लेंगे। ओके ओके, मेरे लिए भी चाचा। छोटू। हाँ चाचा। सबके लिए बिरयानी लेके आ। हेलो हेलो, तुम अभी भी सो रहे हो? आधी दुनिया लंच कर चुकी है एंड यू स्टिल स्लीपिंग। सुनो आज लंच पे जाना ही है, ओके? अदरवाइज आई विल किल यू। अच्छा आता हूँ, मेरी माँ आता हूँ। ओके सी यू। जादू सा छाया दिल तुझ पे आया, हुआ खुद से पराया। दिल खो गया हाय दिल ये मेरा कहीं खो गया। फूलों में तू है, बहारों में तू है, नजारों में तू है, सितारों में तू है। तेरी याद सताए मुझे चैन न आए, रातों को नींद न आए। दिल खो गया लगता है मेरा, दिल खो गया दिल खो गया, हाय दिल ये मेरा कहीं खो गया।
थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी, एक पिज्जा ऑर्डर करना था, एक चिकन सुप्रीम मीडियम। कैन आई हैव योर एड्रेस प्लीज? एड्रेस है A32 फर्स्ट फ्लोर हुसैनगंज जी। कितना टाइम लगेगा? जस्ट 30 मिनट सर। आज फिर लेट हो गया तू, आधा घंटा नहीं समझ में आता। शशांक कहाँ मर गया? जी बाबूजी। बेटा मेरी दारू खत्म हो गई है, जा मेरे लिए दारू लेके आ। बाबूजी मगर तुझसे जितना कहा गया है ना उतना कर, हाँ जा। बाबूजी मगर दारू की दुकान यहाँ से बहुत दूर है, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा तू जबान लड़ाने में टाइम वेस्ट कर रहा है, हाँ टाइम वेस्ट मत कर, जा। कितना टाइम लगेगा? 20 से 25 मिनट लग जाएंगे बाबूजी। 25 मिनट ठीक, मैं तुझे आधा घंटा देता हूँ, जा आधे घंटे में लेके आ, तब तक मैं इससे अपना काम निकाल लूंगा, ठीक है? हाँ आधा घंटा, एक पल में जिंदगी बदल जाती है बेटा, लेट मत होना, हाँ एक सेकंड भी लेट नहीं होना, जा सिर्फ आधा घंटा ले ये, जा बिस्किट भी ले लेना, हाँ जा। अरे शशांक कहाँ भागे भागे जा रहे हो? कुछ नहीं, वो बाबूजी के लिए शराब और बिस्किट लेने जा रहा था। शराब और बिस्किट? तुम्हारे बाबूजी का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें शराब लेने भेज दिया उन्होंने? पैसे दिए उन्होंने? हाँ। ला पैसे इधर लाओ। लीजिए। तुम्हें बिस्किट लेना है ना? हाँ। ये लो, तुम बिस्किट ले लो, मैं शराब लेकर आता हूँ। मिल गया ना? एक बात याद रखना, आगे से शराब लेने मत आना। जी चाचा। कह देना बाबूजी से मैंने कहा है। जी ठीक है, जाओ अब निकलो यहाँ से। शशांक अरे बिस्किट लेके कहाँ भागे जा रहा है? वो पापा ने मंगवाया ना, उन्हीं को देने जा रहा हूँ। तेरे पापा भी बिस्किट खाते हैं क्या? ये तो हम ही खाएंगे। बाबा बहुत मारेंगे यार। वाह बेटा, शराब की बोतल। बाप बिस्किट खाता है, बेटा शराब पीता है। शराबी 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 शराबी। ओए तुम लोग को कोई काम वाम नहीं है क्या? हाँ जब देखो तब शशांक को परेशान करते रहते हो। ये देखो ये आईन की वकील, तुझसे किसी ने कहा कुछ कहने को? तो कम ही बोल, तुझसे कुछ बोल नहीं रही, इन लोगों से बात कर रही हूं। तू टांग मत रख, जा यहां से, जाना और मुझे बोलो, तू घर जा, तू घर जाना। मुझे पापा ने 30 मिनट दिया था। आ गया, कहां मर गया था इतनी देर?
मैंने तुझे आधा घंटा दिया था, तू 10 मिनट लेट आया है। कहाँ मर गया था बाबूजी? वो बोलता क्यों नहीं, बोल। वो बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे। राम खोड़, बाबूजी तेरे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। हाँ, तेरे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। समय की वैल्यू को समझता नहीं है ना? नहीं समझता ना? मैं समझाऊंगा तुझे, मैं समझाऊंगा तुझे समय की वैल्यू। एक पल में जिंदगी बदल जाती है, समझा? समझा? ये 30 मिनट्स मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है। उस दिन सिर्फ 10 ही मिनट तो लेट हुआ था मैं, इतना मारने की क्या जरूरत थी बाबूजी? जरूरत ये थी कि तुम्हें समय की अहमियत समझ में आए। 10 मिनट जिंदगी में एक एक पल जरूरी होता है, और तुम 10 मिनट लेट थे। कौन है? योर पिज़्ज़ा सर। इसे कहते हैं समय की अहमियत, इसे कहते हैं 30 मिनट से पहले उसने लाके दे दिया। भाई साहब मैं तो कहता हूँ रिश्ता पक्का कर दो, लड़का कनाडा जा रहा है, कनाडा इंजीनियर है। अरे हाय शशांक, आ जाओ सिट। भाई साहब। अरे आप यहाँ घर बेच रहे हैं क्या? मैं तो रियल एस्टेट के साथ रिश्ते भी करवाता हूँ। सॉरी पापा, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, ये शशांक है, मेरे साथ काम करते हैं। नमस्ते। मैं शशांक से प्यार करती हूँ, एंड आई वांट टू मैरी हिम। भाई साहब मैं तो कहूँ ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इस रिश्ते में क्या रखा है? शशांक शिवांगी डबल एस, बहुत बढ़िया है। देख लिया आपने, अपनी बेटी को सर पे चढ़ाने का नतीजा। नो पापा, मैं शशांक से ही शादी करना चाहती हूँ, प्लीज। खुद को सताए तेरे पीछे पड़े,
पंख लगा कर क्यों उड़ गए दिल से तेरे अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग तो ऑफिस से रोज आते हैं, मगर आप इतने दिनों बाद तशरीफ लेके आई। वो थोड़ा बिजी थी ना, इसलिए फुर्सत मिलती आ गई आपके यहाँ चाय पीने। चाचा बड़े लोग हैं ना, ज्यादा काम करते हैं। देखा, सुना दिया ना। चलिए बैठिए, नाश्ता पानी। ठीक है, थैंक यू चाचा। अच्छा तो क्या बताने वाली थी तुम? अरे हाँ, कल ना मेरी शालिनी से बात हुई। शी सो हैप्पी हमारे बारे में जान के। इनफैक्ट वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरी शादी होगी, तभी तो उसका नंबर आएगा ना। और ये शालिनी कौन है? ओ, आई डिडंट टेल यू। ओ, शालिनी मेरी बहन है, वो दिल्ली में रहती है। एंड एक सरप्राइज है, तुम उसे देखोगे तो शॉक हो जाओगे। क्यों? सरप्राइज। यार डरा रही हो तुम। डरने वाली क्या बात है इसमें, बहन है मेरी। अरे छोटू, थैंक यू। थैंक यू छोटू। अच्छा सुनो, दो दिन में मैंने एक पार्टी रखी है, मेरे मॉम एंड डैड के एनिवर्सरी है, तो मैं आना है और अपनी फैमिली के साथ, एंड बी ऑन टाइम, ओके? फैमिली के साथ? मेरे माँ बचपन में ही मर गए थे और मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। हे लिसन, तुम अकेले नहीं हो, आई एम फैमिली, मैं हूँ ना। या अब ऐसे मत सोचना प्लीज। ओके। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं क्या हूं? बाबूजी, जो आपने मेरे साथ बचपन में किया है ना, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूं। मेरे लिए आप मर चुके हो। मैंने खाना खा लिया है और मैं कपड़े बदल के सोने जा रहा हूं, मुझे सुबह काम है। हेलो। हाँ शिवू, बोलो। ऑफिस से निकले या नहीं? हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ। पार्टी में टाइम पे आना, लेट नहीं। शशांक, तुम ऑफिस से निकले नहीं हो, प्लीज जल्दी निकलो ना। लिसन, आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके? तुम आओगे ना टाइम से? हाँ बाबा, हाँ बाबा, निकल रहा हूँ, बस डोंट वरी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ओके, लव यू। ओके, लव यू टू, बाय। हेलो शशांक। हाँ जी सर। कम हियर। जी आ रहा हूँ। या जी सर। अरे यार, हमें तुम्हारी बड़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तुम फॉरन स्टूडियो चले जाओ। सर अभी, लेकिन मैं तो सर जज जाने वाला था। तुम्हें तो मालूम है ना, वो सुपरस्टार अरमान कपूर के साथ वो लिपस्टिक वाली ऐड कर रहे हैं जी। उसे वो लिखी हुई तुम्हारी टैगलाइन नहीं समझ आ रही। सर अब एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट एक पार्टी में। पार्टी? और तुम्हें पार्टी की पड़ी, हमारी फट्टी पड़ी है, और तुम्हें मालूम है कितनी मुश्किल के साथ उसकी डेट मिली है, और लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और पार्टी फिर कभी कर लेना। गो टू द सेट। पार्टी। देखो सर क्या फ्रेम है, आपने क्या बोला था? हाँ, सेट ऐसा होगा, वैसा होगा, स्विट्जरलैंड होगा, पेरिस होगा, कहाँ ये सब? मुझे काम तो करने दो सर, अभी मैं आपको जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही दूंगा सर। हे शशांक। अच्छा वो तुम आ गए यार। सर ये शशांक है, हमारे कंटेंट राइटर, यही लिखते हैं। हाय सर, नाइस टू मीट यू। हाय। हाय सर, क्या हो गया सर, क्या प्रॉब्लम हो गई सर? स्क्रिप्ट। अरे कोई स्क्रिप्ट दो यार। जल्दी लाओ यार, ये लीजिए यार। सर एक्चुअली कन्विंस नहीं हो रहा है, जरा देखो यार। सर बहुत सिंपल है सर, कि आप जाते हैं लड़की के पास और आप जाके उसे कहते हैं टोटली बूम बास्टिक। ये मैं बोलूंगा। हाँ, ये सर? मैं बोलूंगा, अरमान कपूर बोलेगा ये। सर चेंज करो लाइन अभी, नहीं तो मैं नहीं करूंगा ये। सर बहुत अच्छी लाइन है सर, आपके स्टाइल में, आपके अंदाज में बहुत अच्छी लगेगी सर। बोला ना एक बारी, लाइन चेंज करो तो करो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा ये। सर आप ट्राई तो नहीं करूंगा, ट्राई भी शशांक चेंज करो। देख लो यार, अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ सर। सर अब चिंता मत करो सर, बहुत क्रिएटिव है और बहुत अच्छा लिखता है सर, जैसा आप चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे ये क्या ले आए तुम? अरे अरमान सारे जूस वूस लेकर आओ, चलो जाओ यहाँ से, बेवकूफ पानी लेके आया। अरे कोई जूस दो सर को। मैं सर अभी आया। अब सर लिखा है मैंने सर, बहुत अच्छा है सर। सुनाओ सर, आप लड़की को देखते हैं?
और आप देखकर उसके पास जाते हैं, आप अपना चश्मा उतारते हैं और बोलते हैं, पैकेज ऑफ स्पार्क्स। स्पार्क्स? पटाखों की एड हो रही है क्या यहाँ पे? चेंज कर दो इसको अभी। I'm sorry sir, एक सेकंड। हेलो? तुम सच बोलो, तुम निकले हो या नहीं? अरे यार शिवू, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। रमन सर ने मुझे डायरेक्टली यहाँ शूटिंग में भेज दिया और वो अरमान कपूर ना पका रहा यार डायलॉग्स के लिए। बहुत लेट हो चुका है अब तो, और कितना टाइम लगाओगे? शिवू मैं जल्दी आता हूँ यार, मैं आता हूँ जल्दी, ओके बाय। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। सर मैंने लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बोलो। सर एक लड़की है सर, ब्यूटीफुल सी। सर वो आपको देखती है, आप उसे देखते हो सर, और वो आपको देखकर स्माइल करती है और आपको प्यार से ऐसे आंख मारती है, और आप अपने चश्मे उतारते हो और कहते हो, हियर कम्स सिंड्रेला, अपने अपने स्टाइल में। वाओ, नाइस। सर सब लड़कियां गिर जाएंगी सर, आई गारंटी यू दैट। नाइस सर, वेरी नाइस सर, डन कर दो। ओके ओके कर देना इसको। ओके ओके। संजीव मैं जाऊं क्या? नहीं यार रुक जा, देख तो ओके होने दे, उसके बाद चले जाना। अरे यार, रेडी, रोड कैमरा, एक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है। अरे क्या हुआ ये, इतना अच्छा किया था। सर आप दो स्टेप लीजिए, एक दो, ओके क्या? हाँ। अरे आज तो दिन ही खराब है यार। रेडी अरमान सर? रेडी, टेक करते हैं, एक्शन। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे 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 सर, सर लगी तुम्हें? यार ओहो, हमसे सर, सर मुझे लग रहा है आपको डिफिकल्टी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आई एम फाइन, आई एम फाइन। सर आप मेरी बात मान लो सर, हम इसे ट्रॉली पर कर लेंगे, बहुत अच्छा निकल गया। ट्रॉली पे? अरमान कपूर, सुना है कभी डमी करते हुए? सॉरी सर, नेवर सर, ओरिजिनल करूंगा मैं। तुम कहां हो? अरे शिवू मैं, आई कांट टेक दिस एनीमोर। अरे मेरी बात सुनो शिवू। अरे मैं, नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम यहां आधे घंटे में नहीं पहुंचोगे तो आज की बात तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अबे ओ अरमान कपूर, साले उससे बोला ट्रॉली पे बैठ तो ट्रॉली पे बैठ। शशांक क्या हो गया यार, रिलैक्स। सर सर मान जाइए ना प्लीज सर, मुझे पता लग रहा है कि डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, मैं कर लेता हूं ट्रॉली पे। पक्का? हां पक्का, डन डन। अरे ट्रॉली लो, एक्शन। Here comes Cinderella. Good. Okay. Fantastic. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल भाई। आप, अरे भाई साहब, आप यहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, वो खत्म हो गई क्या? सर खत्म हो गई, सभी लोग गए अपने घर। सब लोग गए? जी सर। हेलो शिवांगी, सुनो मेरी बात, सुनो प्लीज मेरी बात सुनो। शशांक मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कह दिया ना, आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, प्लीज डोंट कॉल मी एवर अगेन। अरे शिवांगी ये क्या बब, हेलो हेलो, टूट गया, खत्म हो गया। जानते हो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें समय की अहमियत नहीं मालूम। जब तक मैं समझाता रहा तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा कि समय की अहमियत क्या होती है। अरे तुझे पता है कल की शूटिंग में इतना मजा आया, उसे टेक ही नहीं हो जा रहा था, बार बार रिटेक। हे हाय, तुम यहाँ पे कैसे? आप शिवांगी, लिसन टू मी। शशांक मैंने तुमसे कहा था मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, I don't want to talk to you. चेल 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 गाइस, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, लड़ क्यों रहे हो? कुछ हुआ ही नहीं है लड़ने लायक, तुम जाओ मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके संभालना, हाँ शांति से प्लीज, लड़ो मत, टेक केयर, हाँ बाय बाय। शिवांगी शिवांगी प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। शिवांगी मैं फंस गया था। पहले वो अरमान कपूर की वजह से। वो अरमान कपूर, I care a damn. Listen शशांक, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, and you didn't even care. Please please शिवांगी listen. What? मैं क्या करता, मैं जॉब में फंस गया था। जॉब? तुम जॉब छोड़ के आ सकते थे, राइट? जॉब तो मिल ही जाएगी दूसरी। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो तुम? बेवकूफ मैं हूँ या तुम? तुम हो, क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे बोल रहे हो कि जॉब छोड़ दो। छोटी सी बात? फाइन, यू मेड योर चॉइस, आई मेड माइन। शिवांगी शिवांगी,
तुम उसे देखोगे तो शौक हो जाओगे। क्यों शौक हो जाऊंगा मैं? सरप्राइज। तुम्हें भी मेरी याद आती तो होगी, तुम्हें भी मेरी याद आती तो होगी, मोहब्बत तुम्हें भी सताती तो होगी, तुम्हें भी मेरी याद आती तो होगी, मोहब्बत तुम्हें भी सताती तो होगी। अब पछताने से क्या फायदा, जब मैं समझाता था कि समय की अहमियत को समझो तो तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि अगर सब लोग तुम्हें वक्त पर काम करने के लिए कहते हैं तो तुम भी उनके साथ वही करो, उन्हें भी वक्त का पाबंद बनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप चाहते हैं कि मैं आप जैसा बन जाऊं? ये कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो और मेरी जिंदगी छोड़ के चले जाओ। चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ। छोटू जी, चाचा एक चाय ला। हेलो, अरे यार बोला ना भेज दूंगा। अरे बोल दिया ना, बार बार फोन मत करो, बार बार फोन करके तंग क्यों करते हो पागल कहीं के? आज तक कभी हुआ है ऐसा? फोन नहीं करना, कल तक नहीं पहुंचे फिर फोन करना पागल कहीं का। छोटू जी चाचा, बर्तन साफ कर दिए। चाचा वही धोने में लगा हुआ हूँ, अभी कुछ और काम कर रहा था। हैं? किसी और काम में लगा था चाचा। और कौन सा काम? तू समझता क्यों नहीं है? जो काम मैं कहता हूँ पहले वो किया कर, उल्लू के पट्टे। काम अपने हिसाब से करता है, ऐसा क्यों करता है? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? उल्लू का पट्टा छोड़ूंगा नहीं तेरे को, आगे से मेरी बात सुनना, बस वही काम करना पागल कहीं का। चल भाग यहां से।
चाचा मैं जा रहा हूँ। ओके। ट्रेन आ रही है, समय की अहमियत देख, अब तुझे पता लगेगा कि समय की अहमियत क्या होती है। देख ट्रेन आ रही है, देख अब तू बचेगा नहीं, देख तेरे ऊपर से चली जाएगी, देख एक पल में जिंदगी बदल जाती है, समझा समझा। चाचा, अब्दुल चाचा। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, तबीयत बहुत खराब लग रही है। ओके, चल अंदर बैठ, अंदर बैठ। आजा बेटा, आजा अंदर, चल। थोड़ा और पी। आप ठीक है ना? थैंक यू, बेटर है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है चाचा। हाँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो प्लीज। अब खाना तो सब खत्म हो गया चाचा, कुछ भी खिला दो, बहुत भूख लग रही है प्लीज, कुछ भी। दाल चावल बना दो। हाँ दाल चावल बना दो, अभी बना दो। हाँ जी चाचा। हाँ कितना टाइम लगेगा? यही कोई आधा घंटा, तुम आराम से बैठो, मैं भी बना देता। लेट मत होना, लेट मत होना। ये लूटपाट का मामला तो लग नहीं रहा है, अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे अब्दुल चाचा की मरने से पहले किसी से जोरदार हाथापाई हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है सर, पंकज एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? सर राजू। यही काम करते हो? हाँ। रहते कहाँ? यही पे रहता हूँ सब। यही सोते हो? हाँ। क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? सब मैंने किसी को नहीं देखा, मैं दिन भर काम करते करते थक जाता हूँ सर, मुझे लेट नहीं नींद आ जाती है, और ये सब कब कैसे हुआ सब मुझे नहीं पता सर। Thank you.
हाँ जी, आपका नाम? जी मैं शशांक, यहाँ सामने हमारा ऑफिस है, तो हम यहाँ लंच करने आते थे चाचा के पास। हाल फिलहाल कोई दुश्मनी चल रही थी क्या इनके किसी से? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, हम तो लंच करते थे और चले जाते थे। किसी पे कोई शक जाता है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम पता कर लेंगे। हाँ भाई, लाश को ले चलो एम्बुलेंस में। जी सर। आराम से पड़ो, बैठो, आराम से, आराम से। हटो ना यहाँ से, हटो यार, हटो, पीछे जा, साइड हो जाओ, साइड हटो, पीछे हटो, हटे, अरे हटो यार, लगा के रखिए, चलो हटो भाई, मूव। चलो चलो अपने अपने घर जाओ, जाओ 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 यहाँ से। चलनी चलनी चलनी, देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। पर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। लिसन, शिवांगी मुझसे सारी बातें करती थी, ओके, और जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। प्लीज शालिनी, तुम जो सजा देना चाहती हो तुम दे दो, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसा बिहेव मत करो। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, ओके, मेरा पीछा मत करो प्लीज। शालिनी प्लीज, गेट लॉस्ट। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर अभी खबर तो कुछ भी नहीं है, लड़का अपने सामान के साथ होटल के बाहर बैठा हुआ है। तुम वहीं जी सर। अरे राजू, तू इधर क्या कर रहा है? माँ का इंतजार कर रहा हूँ भैया। माँ का? माँ कब आ रही है? कल सुबह तक आ जाएगी भैया। माँ कल सुबह आ रही है और तू यहाँ रात से बैठा है? तू पागल है क्या? बीमार बीमार पड़ेगा, चल मेरे घर चल। नहीं भैया, माँ का इंतजार करूंगा मैं। अरे पागल, तेरी मम्मी को मैं फोन करके बोल दूंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, वो तुझे ले जाएंगी। नहीं तो क्या करेंगे ना, कल सुबह मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं तुझे यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है? तू चले जाना, चलो ये ले, चल पागल लड़का। हाँ बोल। साहब मैंने उसे बुलाया तो उसने मना कर दिया, पर एक लड़का आया तो उसके साथ वो चला गया। तुम उसका पीछा करो, हम आ रहे हैं। ओके सर। इस लड़के को यहाँ क्यों लेके आए आप? अरे ये राजू है, अपने अब्दुल चाचा के उधर काम करता है। मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो देखा अकेला खड़ा होके ठंड में ठिठुर रहा था, तो मैंने कहा घर आ जाए, कुछ खाना वाना खा ले। अब किसी की मदद करना कोई गुनाह तो है नहीं ना साहब? ना ना, गुनाह करना कैसी बात कर दी आपने, मदद करना तो अच्छी बात है। एनीवे सॉरी, नो प्रॉब्लम, हमने आपका टाइम किल किया। नो प्रॉब्लम सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। भैया वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे पुलिस वाले? अरे कुछ नहीं, वो रूटीन इंक्वायरी होती है उनकी यार, वो कर रहे थे। अरे भैया वो अब्दुल चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अरे तुझे डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, सब नॉर्मल है। ना, मुझे इस लड़के के एक्सप्रेशन पे डाउट, नजर रखो इस पे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बोल, क्या हुआ? सर शशांक उस लड़के को छोड़ने आया है, उस लड़के की माँ आई हुई है और वो उसके साथ जा रहा है। तुम उसको फॉलो अप में रखो। जी। और ये भी देखो कि कौन उससे मिलने आ रहा है। ओके ओके सर। हाँ हेलो रमन। हाँ राजीव। यार मैंने तुम्हें अपने ऐड की कांटेक्ट देके बहुत बड़ी गलती की। अरे क्या हुआ, भेज तो दिया है, पहुंच रहा होगा। यार अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो छोड़ दो ना ये काम, क्या मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। हाँ जी सर। काम मर गया था, अभी तक पहुंचे। अरे सर पहुंच गया सर, उधर ट्रैफिक था, मैं क्या करूं। मैं एक कमेंट सर, मैंने तुम्हें दो तीन दिन में बोला था लिखने के लिए, कहां मर गए थे तुम?
अरे तुम लोग को टाइम की वैल्यू है या नहीं? सर 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 सॉरी, थोड़ी वो प्रॉब्लम हो गई थी सर। लिखे मैंने जिंगल सर आपके टेस्टी चॉकलेट डाल के लिए सर, बहुत अच्छे। सर पहला है खाओ जी भर बढ़ाओ प्यार, सिर्फ 5 रुपए में टेस्टी चोकोबार। व्हाट इज दिस शशांक, व्हाट इज दिस? अरे अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की एड लिख रहे हैं। सर दूसरा भी है सर, वो भी बहुत अच्छा है। हर काम मन पसंद करो टेस्टी चॉकलेट्स के संग। क्या लिखा है ये, क्या है ये? अरे इतने दिन लगाए तुमने और इतने घटिया से जिंगल्स लिख कर लाए हो तुम। अरे कुछ काम वाम आता है कि नहीं? नहीं आता तो कंपनी छोड़ के चले जाओ। तुम अभी जाओ, अभी के अभी मुझे कोई अच्छा सा जिंगल लिख के दिखाओ। जी सर। अब मुझे तुम्हारा कोई नाटक नहीं सुनना है। आज भी तुम जिंगल्स नहीं लिख पाए ना? मुझे पता था तुम जैसे लोग कुछ कभी कर ही नहीं सकते। मैंने राजीव को पहले ही बोला था कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बड़े आए कंटेंट राइटर। क्या हुआ शशांक, 4 लाइन लिखने में इतनी देर? अरे कब से वेट कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ मैं आदमी हूँ कि मैं मशीन हूँ? जब बोलते हो ये 4 लाइन लिख दे, ये 6 लाइन लिख दे, इतनी देर में लिख दे, उतनी देर में लिख दे। पहले वो राजीव आके मेरे सर पे नाचता है, फिर उसकी वो हीरोइन आके मेरे सर पे नाचती है, अब तू आके मेरे सर पे नाचने। तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? बात कैसे कर रहे हो क्या थकेले? मेरे क्लाइंट इतने इंपॉर्टेंट है, मेरे ये इतने इंपॉर्टेंट है, कभी सोचा हमारा क्या होता है यहाँ पर? Shut up and get out of my office. अरे हट, तेरी नहीं करनी नौकरी मेरे को। Get up. Shut up. Idiot. पागल हो गया, इसके दिमाग को क्या हो गया? Stop it. आज जो मैंने किया है ना, उसके बाद वो बॉस मुझे काम पे कभी वापस रखेगा नहीं। बहुत प्रॉब्लम है यार। तेरी प्रॉब्लम है, समझ गया हूँ मैं तेरी प्रॉब्लम। इसीलिए आज मैं तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूँ कि तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा, तेरे दिल को भी अच्छा लगेगा। और रही बात तेरी प्रॉब्लम की ना, उसे हम कल सॉल्व करेंगे। तू तो जानता है वो उस कंपनी का इनविटेशन है। हाँ। और तू भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, और बॉस भी आएंगे। तो 5 मिनट के लिए बॉस को साइड में ले जाकर माफी माफी मांगकर उन्हें 2-4 पेट पिलाकर भाई सेट कर देना। स्मार्ट आदमी है, लेकिन ये सारी बातें कल। आज एंजॉय करने का मूड है तो एंजॉय करेंगे, अब कुछ बोलेगा नहीं, बस चल। लेकिन कहाँ जाना है यार? कौन सी सुनसान जगह ले आया तू यार? सारी सरप्राइज पैकेज यही खुलवा दोगे तुम? यार ये सरप्राइजेस से मुझे बहुत डर। आजा। बैठ। ओहो, तो तू आया है। आज बड़े दिनों बाद याद आई तुझे कजरी बाई की। अरे नहीं कजरी बाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ये चिकना कौन है तेरे साथ? इसको तो देखी नहीं मैं पहले। यहाँ पहली बार आया है क्या? अरे कजरी भाई बात मत करो, जल्दी से दिखा दो बस, है ना? तेरे को चाहिए, इसको चाहिए, क्या चाहिए साफ साफ बोल। एक से एक कड़क माल है अब उनके पास, एक से एक कड़क। दिखाऊं? ये ले देख, पसंद कर। अरे कजरी भाई क्या बात है, देखना यार। संजीव नहीं, मैं चाचा। तू टेंशन क्यों ले रहा है, परेशान मत हो। देख काम वाम सब अभी छोड़ दे, तू बस फोटो देख। नहीं तो देखना यार, मैं पसंद कर बस। नहीं मैं, घंटों लगाएगा, फटफट बोल यार, क्या पसंद है तेरे को? क्या ना कजरी भाई, मेरी तरह तो है नहीं, पहली बार आया ना, इसलिए थोड़ा घबरा रहा है। काहे को डरता है रे, मैं हूँ ना, सब सिखा देगी। तू देखना यार, एक से एक चीज है। हाँ ठीक है। हेलो संजीव, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ हो? अरे मैं वो शशांक के साथ हूँ यार, वो थोड़ा परेशान है यार। शशांक, एक्चुअली मैं भूल कैसे गई, तुम्हारी पूरी लाइफ तो वही बन चुका है। तुम ना ऐसा करो, तुम उसी के साथ रहो, ओके बाय। हेलो यार, इसका भी ना रश्मि का फोन है, मुझे जाना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी है। मैं भी चलता हूँ, चल। तू बैठना यार, तू इंजॉय कर, इंजॉय करने आया ना कजरी भाई, बहुत खास है, अपना ध्यान रखना इसका, तू बैठ एंजॉय कर बस। हाँ संजीव मैं चल, मैं आता हूँ। कौन समझा इसको, तू काहे को डरता है रे, मैं हूँ ना, तेरे को सब सिखा देगी, काहे को चिंता करता है रे। फोटो देखेगा तू, बंदा तो मस्त है, दिल की बात बोल, विस्की लेगा, वोडका लेगा, जेल लेगा, क्या लेगा बोल। विस्की ठीक है, विस्की क्या बात है तो मस्त ना, थोड़ा सा थकेला है, देर में मेरी बात समझदा रे तू। ठीक है चल, मैं तेरी पसंद समझ गई, अभी लड़की भी मैं पसंद करेगी, चलेगा ना?
चलेगा? जी, चल मैं जाती है, कोई लड़की तेरे लिए बढ़िया सी झकास छाट के लेके आती है, चलेगा? उनको आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ ये कोई आधा घंटा। हत्या होने के कारण शहर में फिर सनसनी मच गई। पुलिस को अब तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर शुक्ला? एक के बाद एक मर्डर होते चले जा रहे हैं और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। पब्लिक और मीडिया के लोग हमसे जवाब मांग रहे हैं और जल्द से जल्द सबूत हाथ नहीं लगा तो पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। सर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा सर, बिलीव मी। हेलो, ये सब का हो रहा है हमारे शहर में? हमारी पुलिस सो रही है का? नहीं मिनिस्टर साहब, हम ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। बहुत जल्द मुजरिम पुलिस की हिरासत में होगा। अरे का खाक सॉल्व करने वाले हैं, हैं? इधर इलेक्शन सिर्फ है और उधर विरोधी पार्टी होटल वाले अब्दुल के नाम पर धार्मिक फायदा उठाना चाहती है। देख लो मुझे कुछ सुनना नहीं है, बस इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। देख लिया मिस्टर शुक्ला, मुझे वो मुजरिम जल्द से जल्द चाहिए। डू वॉट यू वॉन्ट, आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। झूठे आंसू दिखाना बंद कर, चुपचाप सच बोल दे। नहीं पता हमें, नहीं वरना तुझे और तेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। साहब मेरी माँ को कुछ नहीं पता। जी सर। बेटा तूने तो कुछ नहीं देखा ना, किसने किया अब्दुल चाचा का मर्डर? बस क्लियर हो गया, लड़के को छोड़ दो, जाने दो बेचारे को, इसकी माँ को जेल में डाल दो। साहब हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत हैं, तूने अब्दुल चाचा का मर्डर किया है। नहीं नहीं, तेरी माँ ने किया अब्दुल चाचा का मर्डर? कुछ नहीं किया साहब, नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। तेरी माँ ने किया अब्दुल का मर्डर? क्योंकि वो तुमसे नफरत करता था, बदला लिया है तुमने। यहाँ तक कि अब तेरी माँ को फांसी से कोई नहीं बचा सकता, तेरा शशांक भैया भी नहीं। तेरा शशांक, तेरे शशांक भैया ने सब बयान दिया है तेरी माँ के खिलाफ। तेरी माँ को फांसी होगी, फांसी होगी, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इसे ले जाओ जेल में डालो, और जब तक फांसी नहीं होती है तब तक किसी को, कोई किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। जब तेरी माँ को फांसी हो जाएगी ना, अंतिम इच्छा के रूप में एक बार अपनी माँ को देख लेना इसको। जा साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। सब कुछ सच बताता हूँ साहब, अब्दुल चाचा का खून मेरी माँ ने नहीं किया है साहब। तो किसने किया? वो शशांक भैया ने किया है साहब। क्या नाम बताया? या बयान दर्ज कर लो इसका, खेल खत्म। Ladies and gentlemen, a very good evening and a warm welcome to all of you. Today, we have gathered here to celebrate the 25th anniversary of our company. It's a silver jubilee celebration. The company is proud to be the first to effectively work... अरे शशांक, अरे यार मैंने सुना बॉस के साथ तेरा कुछ पंगा हुआ क्या? अरे छोड़ना यार वो सब, अब संजीव कहाँ है? अरे यार वो आज तक कभी टाइम पे आया है? जो अब आएगा यार, वो आ जाता तो मैं बॉस से बात कर लेता। अरे भाई उसको छोड़, वो देख वो बैठा तेरा बॉस, तू खुद जाके बात कर ले। ठीक है। ओके। सर, एक्सक्यूज मी सर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप वो सर, वो एक्चुअली कल के बारे में आपसे और राजीव जी से बात करनी थी मुझे। और तेरे से कोई बात नहीं करनी मैंने, तेरी शक्ल देखकर ना मेरा मूड खराब हो जाता है। चल यहाँ पर खड़ा मत रह, यहाँ से निकल जा। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। देख मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने आया हूँ, मेरा मूड मत खराब कर। तू पार्किंग में जाके वेट कर, मैं और राजीव आते हैं आधे घंटे में। तू तो गया। और आप क्या कह रहे थे अपने बारे में? सोचा था जब आएगी ये साली जवानी, होंगे बस वो यहाँ सबसे तूफानी। सोचा था जब आएगी ये साली जवानी, होगी यहाँ बस वो ही वो सबसे तूफानी।
करियर से बाहर निकल के बड़ी मुश्किल से नौकरी पे गया टाई शाई वो पाके बाहर निकल के बड़ी मुश्किल से नौकरी पे गया टाई शाई वो पाके छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस एक बार बता तू पार्टी में बैठा कहाँ था अरे था वहीं आपके पीछे आप तो अपने में बिजी थे हम पे कहाँ से ध्यान राजीव आइटम बड़ी मस्त थी ओए ओ खड़ाई हाँ भी शशांक शशांक बोल रहा था ना 30 मिनट लेट मत होना शशांक को टाइम की वैल्यू नहीं है हाँ 30 मिनट
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जी रमन सर मेरे बॉस हैं और राजीव उनका क्लाइंट, तो हम सब यहाँ। अरे वाह, अजीब बात है, कहीं भी कुछ भी हादसा होता है इत्तेफाक से वो तुम्हारी जान पहचान कर निकल आता है। क्या नाम बताया मिस्टर अपना? शशांक। शशांक, हम पुलिस वाले ना इत्तेफाक में बिलीव नहीं करते, लेकिन हर वारदात का तुमसे जुड़े होना तुम्हें शक के दायरे में लाता है, समझ गए? शक? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत अफसोस है इन मौतों का, और आप कह रहे हैं कि मैं... शट अप, बंद कर अपना ये ड्रामा, तुझे कोई अफसोस नहीं है, समझे? तूने उन्हें मारने की कोशिश की और तू कामयाब हुआ, अब्दुल का खून भी तूने किया। अरे सर आप क्या कह रहे हैं ये सब? मैं क्या कह रहा हूँ सर, पुलिस को बेवकूफ समझता है? सर सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर देखिए, आपके पास क्या सबूत है कि ये सारे खून मेरे दोस्त ने किए हैं? देखो बेटा, हम पुलिस वाले हैं, सबूत के बगैर किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, समझे? होटल में काम करने वाले लड़के राजू ने अब्दुल का खून करते हुए देखा। लेकिन सर, सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं यार, मैंने कुछ नहीं किया। शशांक तू चिंता मत कर, मैं बेगुनाह हूं यार, मेरी बात मानो प्लीज। शशांक तू चिंता मत कर सर, कुछ गलत फहमी हुई है सर। आई टोल्ड यू ना संजीव, मुझे तो शशांक पर शुरू से ही डाउट था। मैं चाहता ना तो ये गोली तेरे माथे के पार कर देता, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती। बोल क्या इच्छा है तेरी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार और जीने का मौका दे दीजिए प्लीज। हर मरने वाला यही कहता है, बोल कुछ और बोल। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं, मेरा पूरा बचपन तो बाबूजी की मार में निकल गया, बड़ा हुआ तो प्यार भी नसीब नहीं हुआ, मैं जहां भी गया लोगों ने मुझे धिक्कारा, मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाला। इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी उस बीमारी की है। मुझे आधा घंटा सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं अपना आपा खो जाता हूं, और मुझे फिर कुछ नहीं याद रहता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब, और अगर मैं गलत हुआ तो आप जो सजा देंगे मैं वो कबूल कर लूंगा प्लीज। ठीक है, चल डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि तेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर तू झूठा निकला डॉक्टर के सामने तुझे गोली मार दूंगा। ले चलो इसे। सर आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कैसे आना हुआ? बढ़िया है, पेशेंट लाए आपके लिए, हमारी गिरफ्त में है, चार मर्डर कर चुका और उसका कहना है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे भूलने की बीमारी है। चार मर्डर कर चुका है? हाँ, ये तो आप ही बताएंगे देखने के बाद। मिस्टर शशांक, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, आप एक डॉक्टर के पास हो। बचपन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तो मुझे बेहिचक बता सकते हो। मेरा बचपन बाकी बच्चों जैसा नॉर्मल नहीं था। मेरे बाबूजी समय को लेकर मुझे बहुत डांटते थे, अगर उनका काम मैंने उनके दिए गए समय में नहीं किया तो मुझे बहुत मार पड़ती थी, मुझे मारा जाता था। मेरा सर रेल की पटरी पर रखा जाता था, क्योंकि मेरे बाबूजी चाहते थे कि मैं समय की अहमियत को समझूं, कि समय कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी जिंदगी उस दिन पलट गई जिस दिन मैंने खुद गंगणपतये नमो नमः। रुकिए बेटा, इधर आइए।
जी क्या हुआ गुरुजी? बैठो बेटा इधर। जो विधाता ने लिखा है बेटा वही होगा। यो लिखती विधाता संभविष्यति ही। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? अपना ध्यान रखना बेटा, जो प्रभु करेगा वो सब ठीक ही होगा। जी। यहाँ बैठा हुआ तू इसके पास हैं? मैंने तुझे काम के लिए भेजा था और तू ये कर रहा है? आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तू यहाँ पर आकर समय बर्बाद कर रहा है और तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा हैं? सॉरी के बच्चे, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। बस बाबूजी, बस मैं और नहीं झेल सकता। मैंने मार दिया उन्हें, मैंने उन्हें मार दिया। मुझे मारना ही पड़ा, नहीं तो वो मुझे मार देते। मुझे जब कोई आधे घंटे का वक्त देता है तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या किया, मैं पागल सा हो जाता हूं। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी शशांक, कूल डाउन। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप किधर लेके जा रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर, काउंसलिंग हो चुकी है, अभी एक और टेस्ट होना बाकी है, वो करना ही होगा, तब तक प्लीज आप इंतजार करिए। शशांक आओ। बैठो शशांक। सुनील, ये क्या क्या कर सर आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं शशांक। तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसकी सेफ्टी के लिए तुम्हारे हाथ बांधने जरूरी हैं, घबराओ मत। अच्छी तरह बांधो। सर ये टेस्ट में सर कितना टाइम लगेगा? सर ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा। देखा आपने, क्या महसूस किया? इट सीम्स इट्स अ सीवियर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहुत क्रोनिक पोजीशन है पेशेंट की।
सर यहाँ पे मिस्टर शशांक एडमिट है। हाँ यहीं पर है सर, वो मिलना था। कौन है आप लोग? सर हम उसके दोस्त हैं। हाँ, हाँ तो सर एक्चुअली हम ऑफिस से आए हैं, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा ऑफिस से आए हैं, तो एक काम करो, एक बंदा अंदर जा सकता है। संजीव आप चले जाओ। सर मैं चला जाता हूँ। हाँ आप चले जाइए। थैंक यू सर। आप दोनों लोग यहीं वेट कीजिए। ओके सर। आप लोग थोड़ा साइड में हो जाओ। ए शशांक, शशांक। संजीव कैसा है यार? यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? क्या तुमने वाकई बॉस राजीव और अब्दुल चाचा का खून किया है? नहीं संजीव, मैंने किसी का खून नहीं किया यार। ये लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि मैं कातिल हूँ, और शालिनी भी ये समझती है कि मैंने किसी का खून किया है। तू बता, तुझे लगता है कि मैंने किसी का खून किया है? डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई डू यार, ट्रस्ट यू। लेकिन शशांक, इन पुलिस वालों के पास तेरे खिलाफ सबूत हैं, और तुझे पता है कि यही रीजन है कि शालिनी भी तुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं जानता हूँ यार, लेकिन शालिनी भी मेरी बात तब मानेगी जब मैं उसे बात कर पाऊँ। अब क्या करें? अभी तो 2-3 दिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ प्लीज। थैंक यू। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई यार, तू मुझे अपना फोन दे दे प्लीज, मुझे उससे बात करनी है। यश होया, ये ले फोन। थैंक्स यार। तुम बाहर जाओ। डॉक्टर तो कह रहे कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब ये नाटकबाजी बंद करो और सच सच बताओ, ठीक है? आज कर लो जितनी मौज करनी है, कल सवेरे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। कल सवेरे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। डॉक्टर के सामने तुझे गोली मार दूं। अरे किसका फोन है यार? हेलो पप्पू भाई। हेलो कौन? मैं शशांक, शशांक। अरे शशांक भाई, ये कौन सा नंबर है? ये दूसरा नंबर है। ओके ओके। मुझे आपसे अर्जेंट काम है। बताओ मैं क्या हुआ? अरे वो आपको याद है आपने मुझे घर दिखाया था, वो पुराना बिल्कुल खंडा टाइप था। अरे वो पुराना वाला? हाँ वही वाला, मुझे वहाँ जाना है। अरे भाई कोई जुगाड़ सेट हो गया क्या? हाँ पप्पू भाई जुगाड़ है। अब प्लीज आप वहाँ यहाँ पे जल्दी आ सकते हैं? मैं ये SDM पब्लिक स्कूल के सामने हूँ। अभी? हाँ अभी, प्लीज अर्जेंट है। और प्लीज उसकी चाबी मत भूलना। अभी है, चाबी है मेरे पास। बाबू भाई, बाबू भाई इधर इधर इधर। आया आया।
अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बाबू भाई हाँ? आप चलो मैं आपको बताता हूँ। अरे जुगाड़ किधर है जुगाड़? अरे सब बताता हूँ, रास्ते में आप चलो ना यार। हाँ। चलो भाई चलो। अरे पप्पू भाई थोड़ा फास्ट चलाओ ना यार। अरे भाई ये गाड़ी इससे ज्यादा फास्ट नहीं चल सकती, मेरे दादा की गाड़ी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ और देर कितनी लगेगी? बस पहुंच गए, बस आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में वही होंगे हम लोग। बस 25। तेरे को बोला था ना कभी लेट नहीं होना, समय की वैल्यू याद रखना। नहीं सुना तूने मेरी बात? नहीं सुनी? पप्पू भाई मैं शशांक। क्यों मारा? मैंने नहीं मारा आपको। मैंने सुना नहीं। पप्पू भाई मैंने नहीं, मैंने छोटे बच्चे का क्या? नहीं पप्पू भाई आप ठीक हो जाओगे, मैं बुलाता हूँ किसी को। पप्पू भाई सारा लागे है जहाँ नहीं कोई आशियाँ, अनजानी सी डगर पे खड़ा नहीं कोई साथिया, कटे दिन कहाँ रातें कहाँ साहिल कहाँ मंजिल कहाँ, जानू ना मैं जानू ना। हेलो शालिनी, शशांक बोल रहा हूँ। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। Stop harassing me. तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अरे शालिनी देखो मेरी बात सुनो। डोंट कॉल मी। कितने जतन से संजोया था जो सपना मेरा, पलकों में ही वो खो गया। झिलमिल सितारों में उगा था जो चांद मेरा, क्यों है गुमशुदा मेरे खुदा, हर शह जुदा सुने ना सदा। जानू ना मैं जानू ना। हो इनफ इज इनफ, आपसे नहीं संभलता केस, आप मुझे बता दो। आई विल चेंज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नहीं सर नहीं, ये केस मैं खुद हैंडल करूंगा सर, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। ओके बट दिस इज योर लास्ट चांस।
शालिनी एंड फ्रेंड्स, अब मैं जान चुका हूं कि उन लोगों का खून मेरे हाथों ही हुआ था, लेकिन वो मैं नहीं, मेरा हैवान बाप था। इसलिए उस हैवान को खत्म करने के लिए मैं जिंदगी और मौत का एक खेल खेलने जा रहा हूं। 30 मिनट्स, प्लीज मुझे गलत मत समझना। सॉरी शशांक। हेलो, एक ऑर्डर देना था, एक चिकन सुप्रीम। एड्रेस है जी, प्रभावती भवन, फर्स्ट फ्लोर, पुराने मंदिर के पीछे। ओके सर। कितनी देर लगेगी? जस्ट 30 मिनट्स सर। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज कम विद इन 30 मिनट्स टू प्रभावती भवन बिहाइंड द ओल्ड टेम्पल। ठीक है, आगे जाके दाएं मुड़ जाना। अरे सर, आप तो वहां पे ऊपर ही रहते थे ना? हाँ, थैंक यू बाबूजी, आज आप बच गए। हेलो, एक ऑर्डर देना था। हाँ जी सर, बोलिए। एक चिकन सुप्रीम मीडियम। एड्रेस है प्रभावती भवन, पुराने मंदिर के पीछे। ओके सर। फ्लैट नंबर नहीं है, सीधे पहले माले पे आ जाओ। कितनी देर लगेगी? जस्ट 30 मिनट्स सर। इधर। हाँ भाई, इधर आ। जी सर। ये इसको देखा है? नहीं सर। इसको देखा है कहीं? इसको देखा है? नहीं। हेलो, कितना टाइम लगेगा? जस्ट 30 मिनट्स सर। को देखा है सर? हम लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा है, पूरे शहर को सील कर दिया है, वो कहीं नहीं जा सकता है सर। मोबाइल भी हमने सर्विलांसर्स पे लगा दिया है सर, और उसका अभी तक स्विच ऑफ बता रहा है। छब्बीस, सत्ताईस,
पिज्जा यो पिज्जा। आज फिर बच गए बाबूजी। हे हाय शालिनी, कैसी हो? मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले कुछ दिनों से शशांक मुझे कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है। I'm really troubled. क्या यार, उसकी प्रॉब्लम क्या है अब? मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँ क्या? नहीं 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 प्लीज, हाँ ये मत करना। वो पुलिस वाले तुमको उल्टा परेशान करेंगे, तुम्हें पता है। तुमसे 100 सवाल पूछेंगे कि आखिर वो तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं। ठीक है। Your available balance is not sufficient to make an outgoing call. To get advanced doctor. सर, एक ऑर्डर देना था। कितना टाइम लगेगा? जस्ट 30 मिनट सर। हाँ बोलो। सर उसका मोबाइल चालू हो गया, उसकी लोकेशन प्रभावती भवन हुसैनगंज है, पुराने मंदिर के पीछे। उसने कहाँ कहाँ फोन किया? उसने अभी पिज्जा हट में फोन करके पिज्जा ऑर्डर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट में पिज्जा हट का डिलीवरी बॉय अगर वहाँ नहीं पहुँचा तो उसे भी मार देगा। अरे शर्मा जी आप बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा बैठो शाली। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो थोड़े दिन से शशांक मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो मैसेज पे मैसेज करता है, आधे घंटे में यहाँ मिलो, आधे घंटे में वहाँ मिलो। कहीं वही शशांक तो नहीं जो शिवांगी का? हाँ वही वही। उसे तो पुलिस हमारे पास लेकर आई है। वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पेशेंट है। एक्चुअली में वो बहुत ही इनोसेंट है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। या श्योर। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। सत्ताईस। उन्होंने ही पिज्जा मंगवाया? जी मैम। आप मुझे दे दीजिए, आप बताइए कितना हुआ। छुट्टा नहीं है मैम, मुझे आप प्लीज चेंज दे सकते हैं। 28। कहाँ, यहाँ से जाना है? हाँ मैम, ये वाली बिल्डिंग है। जबरदस्ती समय का पालन करवाना दहशत का कारण बन जाता है, जबकि समय का पालन प्रोत्साहन के साथ सिखाना सफलता और खुशी का मार्ग बन जाता है। मौका दूजा ना मिल पाता,
जो कर गया तीरंदाज वही जो सोचता पीछे रह जाता। ना खत्म हो ये भाग दौड़, ये जीत हार का चक्कर, जीना लाइफ में ले टेंशन। ये समय कभी ना ठहरा है यारो, अब तो इसकी कीमत तो तुम जानो। जो लक्ष्य है जीवन का तुम पहचानो, हर मुश्किल को हंस के हासिल कर लो। वक्त के खेल से ना डरो, तुम समय साथ आगे बढ़ो, लाइफ में ना लो टेंशन। टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। यंग इंडिया के सपने बहुत बड़े, टशन में जीना खूब जचे। और बात बात पे बहुत है बहाने, ये फास्ट लाइफ की दौड़ में है लगे। करो लाइफ सेट अप, पढ़ लिख के मिले चांस को अब तो कैश करो, पर लाइफ में ना लो टेंशन। टेक इट इजी,